लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं, ये पहले एक सोलर प्लांट लगा हुआ है उस पर हम तीन पैनल और लगाने वाले हैं। ये 300 वाट के पैनल हैं, इसको हम और ऐड करने वाले हैं आज इस प्लांट पर। इससे पहले इस प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा लोड चलता है, इस पे जो पैनल लगे हुए हैं वो मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर कि भाई अलग अलग वोल्टेज के पैनल इसमें लगे हुए हैं। तो अभी हम इसको 30 पैनल्स की टोटल, इसमें जो है 30 पैनल लगाने वाले हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या कुछ ये आउटपुट दिखाता है, कितना लोड ये चलाता है, कितना उस पर ओवरलोड में चल जाता है, किस कंडीशन पर, ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है भाई हमारा सोलर प्लांट, जो कि इस समय हमारे पास जो प्लेटें लगी हुई हैं वो है 24। अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की प्लेट हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन की प्लेट को कितनी वोल्ट बनती है उनको जोड़कर। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की प्लेट इस पर लगी है क्योंकि काफ़ी पुराना प्लांट है। अभी इस पर ये कुछ प्लेटें हमने ऐड की हैं, ये पैनल हमने इस पर लगाया है। तो अभी देखते हैं कितना लोड चलाता है। लोड इस पर काफ़ी है, वाटर कूलर है, फ्रिज है और भाई पंखे वगैरह, बहुत ज़्यादा लोड है इस पर। तो अभी देखते हैं कितना लोड चलाता है, कैसे चलाता है और उसके बाद क्या क्या ये दिखाता है, क्या इसकी कंडीशन है, ओवरलोड किस कंडीशन में जाता है। तो चलिए एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है भाई इनका लोड, ये वाटर कूलर इस पर परमानेंट चलता है। अभी हम अंदर चलते हैं, ये जो दुकान है इस सारी दुकान का लोड इस पर चलता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिज है, ये एक फ्रिज है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं एक फ्रिज ये हो गया, ये पहला फ्रिज है। अभी टोटल फ्रिज आप गिनते रहना कि कितने रेफ्रिजरेटर चलते हैं, एक ये है, एक ये बाहर रखा हुआ है, तो ये दो हो गए हमारे पास। ये भी फ्रिज इसी पे चलता है। अभी हम अंदर चलते हैं एक बार, ये जो साइड में रखा हुआ है ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। अब इसके पीछे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो पीछे है वो हमारा पाँचवा रेफ्रिजरेटर हो गया, वो भी इसी पे चलता है। और देखते हैं हम, ये पाँचवा हो गया हमारा, ये वाइट वाला, ये हमारा छठा है, ये जो लोटस लिखा हुआ है जिस पे, ये हमारा सातवा है ये वाला रेफ्रिजरेटर, ये आठवा है पेप्सी लिखा हुआ है जिस पे, कोका कोला लिखा हुआ है, ये वाला जो हमारा फ्रिज है ये नोवा फ्रिज है, ये हमारा दसवा हो गया, ये हमारा ग्यारहवा हो गया और ये बारहवा हो गया। और अभी एक फ्रिज और रहता है, ये इस पे 13 रेफ्रिजरेटर इस पे चलते हैं। और जो मैंने बताया वाटर कूलर वगैरह से परमानेंट चलता है, ये फ़ैन हो गए, ये LED बल्ब हो गए यहाँ के। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी साइड देखें, ये दूसरी साइड भी है, दूसरी साइड में हमारे ये फ़ैन हो गए, एक फ़ैन यहाँ हो गया, एक फ़ैन दो, ये LED बल्ब हो गए तीन, और साथ ही साथ इस पर CCTV वगैरह भी चलते हैं। तो अभी हम पहले परफॉर्मेंस देखें, जब ये वाटर कूलर परमानेंट चलता है तो उस पर क्या लोड दिखाता है, और जब हम सारा लोड ऑन करते हैं तो तब ये क्या दिखाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। अब ये जो हमारा सोलर PSU लगा हुआ है ये 7.5 KVA है, जो कि हमारा 120 वोल्ट में है, यानी कि 10 बैटरीज इस पर लगी हुई हैं। तो अभी हम देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस हमारी दिखा रहा है जब हमारा वाटर कूलर इस पर ऑन है और जो फ़ैन हमारे ऑन है इस पर, अगर हम उन बड़े फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर्स को ना इस पर चलाएँ तो तब ये क्या आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो पहले हम एक बार वो देख लेते हैं। अब ये जो आउटपुट दिखा रहा है ये है 235 वोल्ट और 7.4 एम्पीयर इसमें से करंट जा रही है। ग्रिड चार्जिंग इस समय ऑन है और सोलर से आ रही है 283 वोल्ट हमारी, और बैटरी में +2 एम्पीयर यानी कि अभी जा रही है और बैटरी से अभी कुछ निकल नहीं रहा। एक बार दोबारा देख लें इसको, सोलर बैटरी हो गया, ये आउटपुट हो गई हमारी, ये ग्रिड हो गया, अभी जो चार्जिंग हो ग्रिड से आ रही है सारी, इन्वर्टर ऑफ है, सोलर चार्जर ऑन है, वाट इस समय लोड चला हुआ है। तो अभी एक बार हम ग्रिड की चार्जिंग को हटाते हैं इससे, फिर देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो अभी लाइट हमने ऑफ कर दी इस टाइम। अभी ये जो दिखा रहा है ये आउटपुट है भाई 1528 वाट की,
ग्रिड हमारा जीरो हो गया, ग्रिड चार्जिंग ऑफ है, सोलर जा रही है 267 वोल्ट, बैटरी में अभी इस समय चार्जिंग जा रही है 1.9 एम्पियर की, यानी कि लगभग हमारी बैटरी फुल है और 7 एम्पियर की हमारी जो है वो लोड पे चल रही है। दोबारा फिर देख लें, 268 हो गया, बैटरी इस समय प्लस में 1.9 है, आउटपुट 7 एम्पियर की इस समय जा रही है, ग्रिड हमारा जीरो है, सोलर चार्जर ऑन है, तो इस समय हमारा पूरा सोलर पर है। अभी हम ऑन कर देते हैं उन सभी रेफ्रिजरेटर को। अब देखते हैं लोड एकदम से हमारा 21 एम्पीयर हो गया, ग्रिड हमारा ऑफ है, सोलर चार्जर ऑन है, लोड हमारा 3784 वोल्ट हो गया भाई, 123 वोल्ट, बैटरी जो है हमारी डाउन जा चुकी हैं, तो यानी कि हमारा लोड बहुत ज़्यादा है इसके हिसाब से। और बार बार जो रेफ्रिजरेटर है वो कंप्रेसर उनका, जैसे ही कोई नया कंप्रेसर ऑन होगा ये ओवरलोड हो जाता है। अब जैसे ये हमारा इस टाइम ओवरलोड हो चुका है, यानी कि हमारे जो पीसीयू की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना हमारा पास लोड चला हुआ है। हमारा लोड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा लोड चलाएंगे तो ऐसे ही ओवरलोड दिखाई जो है लोड इसमें चलता है। तो अब जैसा आपने स्टूडियो में देखा, अब ये जो जिस कंडीशन पर हमारा पीसीयू ओवरलोड जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि भाई आपने सोलर प्लांट तो लगवा लिया, जैसे सोलर प्लांट तो 6.5 kVA है, लेकिन उस पर जो लोड इतना ज़्यादा है कि हमारा जो है वो रनिंग में था 5 kW, तो जो हमने लास्ट में एंड में देखा, अगर हम उसको स्टार्टिंग लोड में लें। अब रेफ्रिजरेटर होता क्या है कि कंप्रेसर किसी का जो है स्टार्ट होना होता है, किसी का रनिंग में चला हुआ होता है, तो वहाँ पर लोड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह की कंडीशन में, एसी वगैरह की कंडीशंस में, जिनमें कंप्रेसर ज़्यादा जोर लगाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है स्टार्ट होने में या रीस्टार्ट होने में। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करें कि आपके जो पीसीयू की कैपेसिटी है वो कितनी है। अब ये 7.5 kVA का है, अगर आप इसमें 0.8 फैक्टर रख दें तो इसका लोड बहुत ही कम आता है, कि भाई ये आपका जो है 5800 वाट के करीब इसका लोड आता है। तो ये लोड, अगर वो लोड आप रनिंग में इस पे ले रहे हैं, तो रनिंग में तो ये आपकी जो है बैटरी में भी कुछ नहीं छोड़ेगा और सोलर प्लांट जो आपका लगा वो भी वेस्ट होगा, तो इससे आप ये रखें। अब ये जो प्लांट था इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें पैनल बढ़ाने पड़ते, बहुत ज़्यादा खर्च था, तो कस्टमर मना कर देंगे। पहले प्लांट लगा हुआ था तो हमने उसको थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस किए थे, उसमें थोड़ी वायरिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी और थोड़ी बहुत उसमें पैनल वगैरह की आवश्यकता थी। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, आप पहले ये फाइंड करें कि आपका लोड कितना है, रनिंग लोड कितना है और स्टार्टिंग लोड कितना है, उस हिसाब से आप अपने सोलर पीसीयू का चयन करें और उस हिसाब से ही आप बैटरीज वगैरह रखें। क्योंकि ऑफ ग्रिड में बहुत ज़्यादा जब बैटरीज पर बैटरी ख़राब होने की स्थिति भी हो जाती है कि भाई जल्दी ख़राब हो जाएंगी बैटरी, और जब आप जल्दी ख़राब होएंगी तो आपको बैटरियाँ जल्दी बदलवानी पड़ेंगी, जिससे आपकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर डाल देगा। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में स्पेशली ध्यान रखें सोलर पीसीयू का, और उसके हिसाब से आपने लोड के हिसाब से आप सोलर पीसीयू रखें, उस हिसाब से आप पैनल्स वगैरह रखें। तो इतिहास की वीडियो इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।